तो गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज है गणेश चतुर्थी, तो सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। और आज है सैटरडे, तो सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है ऑफिस में। मैं आपको बता दूं कि मैं जॉब करता हूँ आईटी कंपनी में, तो आज हमारी कंपनी में ला रहे गणपति बापा को। तो हम जा रहे अभी फ़िलहाल यहाँ से ऑफिस, फिर वहाँ गणपति बापा को लाएंगे। उसके बाद फिर एक फ्रेंड है जो हमारे कलीग्स है राजा भाई, तो उनके घर पर भी गणपति लाना है, तो उनके घर पर भी हम गणपति लाएंगे। उसके बाद फिर हम घर आएंगे। तो ये पूरे दिन का व्लॉग होने वाला है और आपको बताऊंगा बाहर मार्केट में कैसा माहौल है। यहाँ पे फिलहाल मैं रहता था अहमदाबाद में, आपको पता ही है, और अभी मैं रहता हूँ गांधीनगर गिफ्ट सिटी में। तो यहाँ से लेके अहमदाबाद जाएंगे, फिर यहाँ से अहमदाबाद घूमेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वापस आएंगे गांधीनगर। तो आपको पूरा व्लॉग आप देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। और गणेश चतुर्थी है तो क्या ही बोले, और आज छुट्टी था तो सोचे कि चलिए आज व्लॉग कर ही लेते हैं। और आज मैं निकल रहा हूँ गाड़ी लेके, तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है 8:30, तो अभी फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ। और यहाँ से मैं जाऊँगा पहले प्रहलाद नगर, जो हमारा ऑफिस है आईटी का, वहाँ पे। चलो चलते हैं नीचे बेसमेंट में, बाय। हमारा है सेकंड, सुबह सुबह चाबी गिर गया। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना दो बेसमेंट है, एक फर्स्ट और सेकंड। तो मेरा है सेकंड बेसमेंट में। कल ही मैंने गाड़ी साफ़ कर दिया था क्योंकि एक हफ्ते से निकला नहीं था, पिछले संडे को मैंने निकाला था, तो अभी अच्छे से साफ़ कर दिया। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो पार्किंग है, तो ये वाला जो पार्किंग है ना, तो ये लोग यहाँ झाड़ू लगाते हैं, साफ़ करते हैं ना, तो यहाँ से भी मिट्टी उड़ता रहता है। आप सोचोगे कि बेसमेंट में है तो क्या ही दिक्कत है, साफ़ ही रहेगा गाड़ी, पर ऐसा नहीं है। आप साफ़ कराओगे पर ये झाड़ू लगाने से होता ही है। देखिए हमारा थार अभी साफ़ कर दिया है एकदम। बारिश नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि आपको पता ही है कि बारिश में कैसा होता है। चलिए पहले अंदर बैठ जाता हूँ मैं, वाईफाई कर लेता हूँ तो थोड़ा अच्छे से व्यू आएगा। तो अभी मैं हूँ इन्फोसिटी गांधीनगर, यहाँ से हमारा टाइम दिखा रहा है 45 मिनट, और अगर ट्रैफिक रहा तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है 1 आवर के आसपास। पर वेदर देख रहे हो आप कितना बढ़िया है, मज़ा आएगा, बस बारिश ना हो जाए, क्योंकि गाड़ी अच्छे से साफ किया है ना। अगर आप साफ किया हुआ गाड़ी अगर आपका गंदा होता है ना, तो बहुत खराब दिखता है। हालांकि आज तो ज्यादातर छुट्टी होगा सबका, तो वैसे तो इतना ट्रैफिक मिलने वाला नहीं होना चाहिए अपने को, कि नहीं मिलेगा। बाकी कुछ ऐसा है यहाँ का, पूरा रोड खाली है और सुबह का टाइम है ना, तो वैसे भी ट्रैफिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैं निकला हूँ अभी 8:30 बजे, ठीक है, तो 8:30 बजे तो क्या ही ट्रैफिक होगा। तो अभी तो फिलहाल मैं सिंगल हूँ अंदर, देख रहे हो आप, मैं अकेला ही हूँ। ऑफिस जाने के बाद फिर वो राजा भाई ना, बाकी देखते कौन कौन आता है साथ में, बाकी अभी तो सिंगल हूँ। फिर यहाँ से जाना है फिर ऑफिस, जो आपको मैंने बता दिया। और गांधीनगर का भी मैं बहुत जल्दी व्लॉग लाने वाला हूँ, मतलब गिफ्ट सिटी का, क्योंकि आपको पता है कि गिफ्ट सिटी अभी नया डेवलप हुआ है, तो वहाँ पे कैसा है, क्या क्या फीचर्स वहाँ मिलेंगे आपको अगर आप वहाँ पे रेजिडेंस लेते हो। बस आपको दिक्कत यह है कि वहाँ जियो का टावर नहीं आता है, वो अभी से मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, क्योंकि मेरा भी जियो था, बिल्कुल टावर नहीं आ रहा था, इसीलिए फिर मैंने उसको पोर्ट करवा दिया एयरटेल में। एयरटेल का ठीक ठाक आ जाता है, पर कंपेयर टू आप अगर अहमदाबाद में जो थे और वहाँ आता था, उससे तो कम ही आता है, पर फिर भी ठीक है, एयरटेल का ठीक है। जियो बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर आपके पास जियो है और आप सोच रहे हो कि वहाँ आप ऑफिस है या मतलब जॉब है या फिर रेजिडेंस, तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाला है। और पूरा रोड खाली है, तो देखिए पूरा रोड खाली है, तो अच्छा है, ड्राइव करने में भी मज़ा आता है और टाइम भी कम लगेगा, वरना ट्रैफिक में क्या अपने को भी फिर दिक्कत आ जाता है। वेदर अच्छा है ना, तो और अच्छा लगता है चलाने में। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा अभी मैं हाथ से ही ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो आगे का मोबाइल होल्डर था ना, जो मिरर के ऊपर लगाने वाला, वो टूट गया। अब दूसरा ऐसा कोई मिल नहीं रहा है, क्योंकि थार का ना आपको पता होगा कि उसका जो ग्लास आता है फ्रंट वाला, वो एकदम स्ट्रेट आता है, तो उसमें मोबाइल होल्डर ठीक से आपका जो लोकेशन है ना अंदर का जो व्यू है, वो सेट नहीं होता है। बाकी सब गाड़ी में थोड़ा स्लोप होता है, तो स्लाइड होने की वजह से क्या होता है, उसमें आपका सेट हो जाता है मोबाइल होल्डर। अब मैं ऐसा मोबाइल होल्डर ढूंढ रहा हूँ जो इसमें प्रॉपर फिट हो और अपने को अंदर का व्यू अच्छे से दिखाई दे, तो इसीलिए अभी फिलहाल तो मैं हाथ से ही कर रहा हूँ। देखेंगे फिर टाइम मिलेगा तो आज या फिर कभी भी छुट्टी के दिन हम ले लेंगे वो एक मोबाइल होल्डर, क्योंकि वो ज़रूरी तो है ही।
गाड़ी जा रही है ना आगे, ये गाड़ी ना थाईलैंड में मैंने बहुत देखा था, आपने मेरा थाईलैंड वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया होगा, वहां पे टैक्सी में ये गाड़ी बहुत चलती है, और अब यहाँ पे इंडिया में भी अपने चालू हो गई है, ये टोयोटा की गाड़ी है, तब यहाँ पे भी मिलना शुरू हो गई है, रिसेंटली चालू हुआ है क्योंकि पहले तो नहीं मिलता था, पर ये बहुत बढ़िया लगती है, इतना स्पेस होता है अंदर कि आपको ऐसा लगे कि पूरा घर लेके आप चल रहे हो, बहुत बढ़िया। एक साल पहले अगर आपको पता हो तो यहाँ हिट एंड रन केस हुआ था तथ्य पटेल वाला, जो 10 लोगों का जान चला गया था, तो इसी ब्रिज के ऊपर हुआ था। यह है इस्कॉन ब्रिज, नीचे इस्कॉन टेम्पल है ये राइट साइड में, और ये इस्कॉन ब्रिज है, यहाँ ब्रिज के बीचों बीच हुआ था, तब ये लाइट नहीं था, तो वही था कि अंधेरा था और ऑलरेडी एक एक्सीडेंट हुआ हुआ था, तो वो देखने के लिए लोग रास्ते में खड़े थे यहाँ पे, और इतनी स्पीड में यहाँ से वो तथ्य पटेल गाड़ी लेके आया और उसको दिखा नहीं और एक्सीडेंट हुआ था, तो 10 लोगों की जान चली गई थी, तो उसका एक साल ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी मैं हूँ इस्कॉन, बस हमें जाना है प्रहलाद नगर जो सामने आपको दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा बारिश जैसा मौसम है, तो पर ऐसे मौसम में ही अच्छा लगता है ड्राइव करना। हाँ, ट्रैफिक कम मिला है हमें तो इसीलिए थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं। गणपति बाप्पा बोलिया, मंगल मूर्ति बोलिया, गणपति बाप्पा बोलिया, मंगल मूर्ति बोलिया, 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार, 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार, गणपति बाप्पा बोलिया, गणपति बाप्पा बोलिया, मंगल मूर्ति बोलिया। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा सजाया है। ये है हमारा ऑफिस, ये है राजा भाई, ये है प्रशांत भाई, ये हमारे मैडम, ये भी हमारे मैडम है, और ये है हमारे सर, और हमने कुछ ऐसा सजाया है। कल हमें बहुत टाइम लग गया था सजाने में, एक्चुअली 2 घंटा जितना हमारा चला गया था ऑफिस सजाने में, और ये हमारा ऑफिस है, ऑलरेडी ऑफिस हमारा ऐसा ही है ना कि सजा हुआ है, बस ये बाप्पा का हमें जो स्थान था ना उसको ही सजाना था, तो कुछ ऑफिस ऐसा है ऑलरेडी, आप देखोगे तो ऑलरेडी सजा हुआ ही है, ज़्यादा कुछ करना हुआ है रहा नहीं, बस इतना पोर्शन हमें सजाना पड़ा, तो इसीलिए अभी हमने आरती कर लिया है और प्रसाद चल रहा है, तो कुछ ऐसा है। काफ़ी सारे एम्प्लॉय है, पर अभी कोई कोई एम्प्लॉय घर की दिक्कत है, उनको भी घर पर पूजा है तो वो लोग आ नहीं पाए हैं, पर फिर भी हम लोग आए हैं तो हमने तो बापा का स्थापन कर दिया है यहाँ पर, तो चलिए मिलते थोड़ी देर के बाद। चलिए फिलहाल अभी ऑफिस से तो निकल गए हम लोग, अभी मैं और राजा भाई जा रहे हैं उनके गणपति जी को लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 10:30 हो गया, फिर मुझे वहाँ जाके भी फिर मुझे वापस आना है गांधीनगर, तो इसीलिए अभी फ़िलहाल निकलते हैं। ये रही अपनी थार, यहाँ पे ही रखा था मैंने, तो चलिए आज मैं और राजा भाई, आज हमारे कैमरामैन बनेंगे राजा भूत का। मैं हूँ अभी विशाला, जो ब्रिज है ना जो आपको नारोल से विशाला कनेक्ट करता है, आप ट्रैफिक देखिए इतना ट्रैफिक है, मैं 20 मिनट से ये ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ का ब्रिज ना बन रहा है, आप देख रहे होगे सामने,
तो ये वाला बन रहा है, तो एक ही तरफ में दो साइड चालू है आना और जाना, तो इसीलिए इतना दिक्कत आ रहा है। देखिए, और आज तो फिर भी छुट्टी है, सोचिए अगर बिना छुट्टी के आप वर्किंग डे में आएंगे तो कितना ट्रैफिक मिलेगा आपको। तो अगर आपको जाना है तो कोई दूसरा रोड आप लीजिएगा, ये अवॉइड कीजिएगा। जाते वक्त तो मैं रिंग रोड से जाऊंगा गांधीनगर, तो ये दिक्कत नहीं आएगा, पर अभी फिलहाल मुझे राजा भाई के साथ जाना है, तो इसीलिए इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, ये रास्ता ले लेते हैं। ये पिराना क्रॉस रोड है, तो यहाँ पे भी आपको, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है ना, तो यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक दिखता है आपको, सिग्नल भी चालू है फिलहाल। पर ये आज सोचिए क्या सैटरडे है और गणेश चतुर्थी है, फिर भी ऐसा हाल है। पर सिग्नल था तो चलो हमने सोचा कि रुक जाते हैं, और क्या नहीं, पर सिग्नल अभी खुला नहीं है। तो अभी फिलहाल हूँ मैं ईसनपुर ब्रिज के ऊपर, और ये ब्रिज पहले बन रहा था, मैं काफी दिन बाद आया हूँ तो अभी तो बन गया है। तो ये ब्रिज कुछ ऐसा है, रेडी हो ही गया है, मैं बहुत दिन बाद आया हूँ तो आज सोचा कि चलिए आपको भी बता दूँ। अगर जो लोग अहमदाबाद से उनको पता नहीं है उनको बता देता हूँ कि ये ईसनपुर वाला जो ब्रिज था वो काफ़ी टाइम से बन रहा था, अभी रेडी हो चुका है, तो अभी ट्रैफिक का दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज नीचे जो सर्कल है वहाँ पे काफ़ी मतलब दिक्कत होता था उस सिग्नल के ऊपर, और ट्रैफिक भी हो जाता था। तो ऐसे अगर बच्चे को ले जाना है ना तो अवॉइड ही कीजिए कि बच्चा किसी के वहाँ छोड़ के आइए। आप ऐसे देखिए, ये मैडम ने कैसे बच्चे को बांधा है यार, मुझे दया आ रहा है उनको देख के। अब बच्चा देखो कितना छोटा है, कैसे पकड़ के बैठा है। तो आप ऐसा हो तो किसी के वहां छोड़ के आइए ना, या फिर आप ऑटो में चले जाइए, ऐसा रिस्क लेके निकलना बहुत दिक्कत वाला है। देखिए इतना ट्रैफिक में बच्चे को ऐसे बांध के ले जाना, बच्चे देख रहे हो कब से ना गाड़ी के आगे पीछे ही घूम रहे हैं बच्चे। हाँ एक्चुअली ऐसा अपने पास है इसलिए अपने को ऐसा है, उन्होंने देखा नहीं है तो उनको थोड़ा अजीब लग रहा है कि अपने एरिया में था रहा है ये, इसीलिए सब ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं। तो सुबह से मैं कुर्ता पहन के ही घूम रहा हूँ, एक्चुअली ज़्यादा मैं कुर्ता पहनता नहीं हूँ, पर आज क्या था कि गणेश चतुर्थी है और ऑफिस में पूजा था, फिर ये राजा भाई के वहाँ भी आना था, तो सोचा कि चलो पहन लेते हैं कुर्ता आज, तो इसीलिए सोचा कि चलो आज कुर्ता पहन ही लेते हैं। तो आज कुर्ता पहन के आया हूँ, फर्स्ट टाइम है, बहुत दिन बाद पहना, मैंने शादी के टाइम पहना था, उसके बाद फिर मैंने नहीं पहना था। तो बस अभी इनका गणपति लेने गए हैं अंदर शॉप में, तो वो लेके आ रहे हैं, उसके बाद फिर मैं उनको छोड़ूंगा और उसके बाद फिर जाएंगे। थोड़ा लंबा पड़ गया है पर ठीक है, भगवान का क्या काम था, तो मैंने ना नहीं बोला, मैं चलो कोई नहीं हम आ जाएंगे आपके वहाँ। तो आज गणपति बापा ने दो दो बार मुझे मौका दिया उनकी सेवा करने का, कि मैं ऑफिस में भी एक बार गए और एक बार यहाँ राजा भाई के वहाँ, और आज शाम को फिर हमारी सोसाइटी में भी आएंगे, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अभी देखते हैं कितने बजे आते हैं। तो ये कुछ शॉप है, यहाँ पे बनाते हैं गणपति, अलग अलग प्राइस होता है, सही कुछ है एक्चुअली, घर ही लग रहा है, घर के अंदर ही शॉप है। गणपति बाप्पा मोरिया। तो यहाँ पे आप आएंगे ना तो ये हमेशा ही रहता है भीड़, देखिए ट्रैफिक देखिए, ये है चिलोड़ा सर्कल, वो जो ब्रिज अपने निकले ना वो ब्रिज के बाद आता है सर्कल, ये ऊपर ब्रिज है और नीचे से अपने को जाना है सीधा, पर यहाँ इतना ट्रैफिक रहता है क्या ही बताए। कभी भी आप आइए दिन को या रात को, हमेशा ट्रैफिक रहेगा, देखिए अभी भी जाम लगा हुआ है। ये रोड है कि क्या है समझ ही नहीं आ रहा, आप देखिए खड्डे तो देखिए कितने बड़े, एक्चुअली आधा रोड तो निकल गया वैसे भी, बाद में मैंने चालू किया कैमरा, कितने खड्डे बाप रे। ये हम एंटर हो चुके हैं गिफ्ट सिटी के अंदर, क्योंकि चिलोड़ा से अगर आ रहे थे ना तो मैंने भाई रिंग रोड वाला ही रोड लिया था। तो एंटर हो चुके हैं गिफ्ट सिटी के अंदर, आपको रास्तों से पता चल ही गया होगा, क्योंकि चिलोड़ा से आते हैं ना तो फिर आपको अगर गिफ्ट सिटी साइड आना है तो फिर आपका यही रास्ता बेस्ट है चिलोड़ा से, क्योंकि फिर आप आगे से अगर कुड़ाशन होके आएंगे तो फिर बहुत दूर हो जाएगा, तो हमने सोचा कि चलो यहीं से चलते हैं। तो इसीलिए देखिए ये है कुछ नजारा गिफ्ट सिटी का, इसके ऊपर भी मैं अच्छे से व्लॉग बना दूंगा, पर फिलहाल टेम्पररी देख लीजिए कुछ ऐसा दिखता है। वैसे भी आज कुछ पब्लिक दिखेगा नहीं क्योंकि सबका छुट्टी हो गई यहाँ ऑलमोस्ट, यहाँ रेसिडेंस भी है और कॉरपोरेट मिक्स है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉरपोरेट है।
0.5 कर दिया ताकि आपको अच्छे से व्यू आए। देखिए काफी सारा बिल्डिंग अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है, काफी सारा बन भी रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना अभी तो डेवलप हो रहा है, हुआ नहीं है, तो इसलिए काफी सारा अभी चालू है कंस्ट्रक्शन, आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, और काफी सारा रेडी हो भी चुका है। देखिए देखिए जैसे ये बिल्डिंग, तो ऐसे काफी सारे बिल्डिंग है जो अभी कंस्ट्रक्शन में है, और काफी सारे ऐसे जो रेडी हो चुके हैं और पोजीशन मिल गया है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जिसको नहीं पता है उनको कि यहाँ पे SBI का हेड ऑफिस है, आगे अगर आता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, गूगल का ऑफिस है, को LIC का हेड ऑफिस है, तो काफी सारा बड़ा बड़ा कंपनी भी है यहाँ पे गिफ्ट सिटी में। देखिए जो मैं कह रहा था ना LIC, देखिए ये सामने जो है वो LIC का है ऑफिस, और ये है SBI, एकदम पूरे गिफ्ट सिटी में सबसे यूनिक अगर कोई बिल्डिंग है तो SBI का। IBM भी है देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे यूनिक मुझे लगा है ना तो SBI का, इधर से एक्चुअली सही से व्यू नहीं आता है उस तरफ से, यहाँ कंस्ट्रक्शन चालू है ना, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आपको ठीक से दिखाने का। देखिए पूरा ये सबसे अलग उसी का है, और ये है गूगल का, IBM लिखा था उसके अंदर है गूगल। और यहाँ फूड कोर्ट भी है अगर आपको खाना है तो, जैसे ही आप एंटर हो गए ना गिफ्ट सिटी में तभी ये सर्कल आ जाता है, और ये हम हो रहे हैं एग्जिट, ये गिफ्ट सिटी से बाहर निकल गए हम। ये वाला जो रोड है ना बहुत मस्त है, अगर आप ये वाले रोड से आएंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा चलाने में, अगर किसी को गाड़ी भी सीखना है ना तो भी मजा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक ही नहीं होता है और एकदम नजारा भी इतना अच्छा होता है कि आपको मजा आ जाएगा चलाने में, अगर कोई सीख रहा है किसी को ट्रैफिक का दिक्कत भी नहीं और रोड भी अच्छा है। देखिए कितना बढ़िया रोड है, कोई बोलेगा क्या ये गांधीनगर है, फॉरेन जैसा लग रहा है ना। ये है साबरमती, ये साबरमती नदी है, अभी फिलहाल पानी कम है, बारिश इतना हो रहा है पर आगे से लगता है छोड़ा नहीं है उन्होंने, तो ऐसा है कुछ यहाँ का नजारा। और ये सामने सारे फ्लैट दिख रहे होंगे आपको, साबरमती काफी दिन से खाली ही है, मतलब पानी छोड़ा ही नहीं है बारिश है, आगे से हम मुड़ जाएंगे। फिलहाल आ गए हैं घर पे, मैं हूँ बेसमेंट में, तो मैं हूँ बेसमेंट में, अभी पहुँच गए हैं, गाड़ी लॉक कर देता हूँ मैं। ओके कुछ ऐसा है बेसमेंट, हाँ स्पेस काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं, और वैसे भी ज़्यादा लोग रहते नहीं है तो खाली है। चलिए हमारा है 2, तो इसीलिए आगे अंदर।